द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैसियस सिस्टम। देखिए स्पेसिफिक हीट का ये तो जनरल फॉर्मूला है जो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए ट्रू था, लेकिन अब ये सी में हम लोग चेंजेस करेंगे कंडीशन के हिसाब से। ये फॉर्मूला सॉलिड और लिक्विड के लिए ऑलवेज ट्रू होता है, बट गैसेस में ये फॉर्मूला कंडीशन के साथ अपने आप को रीअरेंज करता है, अपने आप को रीडिफाइन करता है कि सी की वैल्यू क्या होगी। जैसे आप ये बोल सकते हैं जनरल स्टेटमेंट में कि द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस कैन वेरी फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। अब जीरो से इंफिनिटी कैसे होगा? देखिए नो एक्सचेंज का मतलब क्या है? नो एक्सचेंज ऑफ हीट मतलब Q इज इक्वल टू जीरो। अब आप इसमें Q इज इक्वल टू जीरो डाल दीजिए तो C इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या? कि टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं रहा है। डेल्टा T इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा T इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे डाल दीजिए तो C इंफिनिटी आ जाएगा। अब कांस्टेंट प्रेशर, तो भाई इसके तो अपना डिराइव्ड फॉर्मूले ही होते हैं, Cp इज इक्वल टू यहाँ पे सही लिखा हुआ है ये गामा आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन। फिर कांस्टेंट वॉल्यूम वाली स्पेसिफिक हीट जो होती है वो होती है आर डिवाइडेड बाई, इसी तरह है बस थोड़ा सा अंतर, गामा माइनस वन, बस यहाँ पे ये गामा वाला टर्म नहीं है। तो अब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला सही है और उन लोगों ने ये वाला फॉर्मूला लिखा है जो कि गलत है। सो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, हमें गलत ही ढूंढना था, ऑप्शन डी या ऑप्शन 4 इज करेक्ट।